हाँ जी बेटा करें स्टार्ट। हाँ जी बेटा, आज की बेटा हमारी टाइप है मीन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। हाँ जी बेटा ध्यान से समझना बेटा, इसको मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से बेटा करवाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन बेटा मैं ले रहा हूं, उसकी हेल्प से करवाऊंगा। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर बेटा ये निकालना जो कल आपको 22nd सम करवाया था मैंने। हाँ जी बेटा 22nd सम बेटा निकालो एक बार। सम में बेटा क्या कहता है, थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्ट कार्ड। हाँ जी बेटा ध्यान से समझना बेटा, इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। मैं इस क्वेश्चन का एक बार बेटा आंसर ले रहा हूं, जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसकी हेल्प से बेटा मैं मीन और वेरियंस के बारे में बेटा आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में बेटा एक्स की वैल्यूज, एक तरफ लिख लो एक्स की वैल्यू, एक तरफ बेटा लिख लो पी की वैल्यूज। एक्स की वैल्यू बेटा क्या थी, एक्स का मतलब एक्स कह लो या बेटा आर कह लो, जीरो हर्ट कार्ड, वन हर्ट कार्ड, टू हर्ट कार्ड और थ्री हर्ट कार्ड। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बैठा जो कल की क्लास में नहीं था। हाँ जी बेटा चलो। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की हेल्प से बेटा मैं बताऊंगा। एक्स की वैल्यू बेटा 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2, 3 का मतलब एक भी हर्ट कार्ड ना आए, या वन हर्ट कार्ड आ जाए, या टू हर्ट कार्ड आ जाए बेटा, या थ्री हर्ट कार्ड आ जाए। ठीक है या चलो देखो मैं अपनी तरफ से बेटा एक सम ले रहा हूँ, छोड़ो इसको 22 सम को छोड़ो बेटा, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। इधर देखो, एक कॉइन को बेटा 3 बार टॉस किया गया, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और मुझे हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। पी की वैल्यू 1/2 हो गई, क्यू की वैल्यू भी बेटा 1/2। कॉइन को मैंने कितनी बार टॉस किया, 3 बार। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 एक टॉस में, और एक टॉस में बेटा टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। एक्स की पॉसिबल वैल्यू बेटा क्या क्या होंगी, एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2, 3 का मतलब एक बार भी हेड ना आए, एक बार हेड आ जाए, दो बार हेड आ जाए, तीन बार हेड आ जाए। तो पहले बेटा मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं 0 हेड, फिर बेटा मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा 1 हेड, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा 2 हेड और फिर बेटा 3 हेड। इनकी प्रोबेबिलिटी बेटा निकालो, कैसे निकालेंगे, 3c0 क्यू रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 3 और 1/2 रेज टू पावर 0, 1/8 आएगा। फिर बेटा 1 सक्सेस, 3c1, 1/2 रेज टू पावर 2 एंड 1/2 रेज टू पावर 1, ये बेटा 3/8 आएगा। नेक्स्ट निकालो 3c2, 1/2 रेज टू पावर 1 एंड 1/2 रेज टू पावर 2, ये भी 3/8 आएगा। और ये 3c3, 1/2 रेज टू पावर 0 और 1/2 रेज टू पावर 3, ये बेटा 1/8 आएगा। तो ये बेटा मैंने टेबल बना दी, देखो इधर 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। इस टेबल को जरा बताओ क्या बोलते हैं, इस टेबल को बेटा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहां पे मैंने बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले की हेल्प लेके यहां तक बेटा बताओ क्लियर है, यहां तक बताओ क्लियर है। मधु का आ गया, यस सर क्लियर है। चलो विकास का भी आ गया। हाँ जी बेटा, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 1।
ये बेटा बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबका सम वन होना चाहिए। अब देखो नई चीज क्या बता रहा हूं मैं, मीन, मीन कैसे निकालते हैं? मुझे एक बात बताओ, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला आपको पता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये मीन का फॉर्मूला होता है नहीं, यस और नो? मीन निकालने का ये फॉर्मूला होता है? मधु कह रही है यस सर होता है बिल्कुल, विकास भी कह रहा है यस सर होता है, अभिनंदन का भी आ गया, ठीक है बेटा। अब यहां पे सुनो, यहां मुझे इस टेबल का मीन निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का बेटा ये फॉर्मूला ये है, सुनो फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का। एक्स बार, एक्स बार का मतलब बेटा मीन, हाँ जी बेटा देखो, हाँ जी बेटा मीन निकालने का बेटा ये फॉर्मूला है समेशन पी एक्स, बस ये फॉर्मूला है समेशन पी एक्स डिवाइडेड बाय समेशन पी लिख लो चलो, बट समेशन पी लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि समेशन पी क्या है, वन है, तो इसीलिए हमेशा ही वन होगा, तो इसीलिए नीचे तो ऑलवेज वन आएगा, तो आप इस फॉर्मूले को सिर्फ यही याद रख सकते हो, समेशन पी एक्स बाय वन, समेशन पी ऑलवेज वन होगा, तो एक्स बार का फॉर्मूला ये बनेगा समेशन पी एक्स, फ्रीक्वेंसी की जगह एफ की जगह पी लेना। अब ये देखो पी एक्स निकाल रहा हूं बेटा मैं, यहां पी एक्स, हाँ जी बेटा करूं पी एक्स, ये लो जी जीरो थ्री बाय एट, ये बेटा आएगा सिक्स बाय एट और ये थ्री बाय एट। अब जरा इसका बेटा सम करना, समेशन पी एक्स करना कितना आ रहा है, ट्वेल्व बाई एट, हाँ जी बेटा कितना आ गया ये ट्वेल्व अपॉन एट, समेशन पी एक्स की वैल्यू आ गई यानी कि थ्री बाय टू, हाँ जी बेटा थ्री बाय टू आंसर आ गया बेटा, मीन का आंसर आ गया थ्री बाय टू। बताओ हाँ जी बेटा क्लियर है यहां तक, मीन आ गया बेटा हमारा थ्री बाय टू। अब सुनो बेटा, अब सुनो आगे, मीन बेटा हमारा थ्री बाय टू आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं वेरिएंस, एक चीज मैंने और लिखी है ऊपर देखो वेरिएंस। जरा मुझे ये बताओ पिछले सेमेस्टर में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, ये फॉर्मूला सभी को ध्यान है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर और उसका रूट, ये फॉर्मूला बेटा किसका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला बेटा सभी को ध्यान है, हाँ मधु का आ गया एस डी, हाँ जी बेटा ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। अब ध्यान से सुनना, नीचे n की जगह बेटा वो भी लिख सकते हो, n की जगह समेशन f, n की जगह समेशन f भी लिख सकते हो। अच्छा अब मुझे ये बताओ, यहां पे मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बनाना है, यहां बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये बनेगा, इधर देखो समेशन पी एक्स स्क्वायर, f की जगह p कर दो और माइनस समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बेटा बनेगा सिर्फ, और नीचे नीचे वन हो जाएगा, इसकी वैल्यू बेटा वन हो जाएगी, यहां इसकी जगह एन की जगह क्या लेंगे समेशन पी, और समेशन पी ऑलवेज क्या होता है वन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा सिर्फ ये फॉर्मूला बनेगा। और अगर वेरियंस की बात करूं, वेरियंस क्या होता है, वेरियंस होता है सेस डी का स्क्वेयर, अंडर रूट हट जाएगा बेटा, ऊपर से अंडर रूट हटा दो, अंडरूट हटा दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बेटा वेरिएंस का। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये तो मीन का बेटा, मीन,
और ये किसका वेरियंस। हाँ जी बेटा देखो अब मैं वेरियंस निकाल रहा हूँ बेटा। वेरियंस के लिए मैं पहले निकाल लूंगा बेटा पी एक्स स्क्वायर। पी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा ध्यान से सुनना। पी एक्स स्क्वायर बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और पी एक्स को। एक्स वाले कॉलम को पी एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो पी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएंगी। करो जरा मल्टीप्लाई करो। जीरो इंटू जीरो ये बेटा थ्री बाय एट, ये कितना हो गया सिक्स इंटू टू ट्वेल्व बाई एट, और ये बेटा हो गया। अब इसका सम करो जरा, इन तीनों का बेटा सम करो। 24 अपॉन 8 यानी कि 3 आ गया बेटा। 24 अपॉन 8 3 आ गया। ठीक है अब फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का, समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, समेशन पी एक्स स्क्वायर तो मेरा आया 3 और समेशन पी एक्स कितना था 3 बाय 2। ये रहा समेशन पी एक्स बेटा, ये रहा समेशन पी एक्स की जगह मैं वो भी लिख सकता हूँ एक्स बार। एक्स बार और समेशन पी एक्स इक्वल है। देखो समेशन पी एक्स की जगह बेटा मैं एक्स बार भी लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले में। तो यहाँ मैं सीधा लिख दूं 3 बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर। 1.5 3 बाय 2, 3 को 2 से डिवाइड, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 3 में से 2.25 गया 0.75 बेटा आंसर आ गया, यानी कि 3 बाय 4 कह सकते हो। 75 बाय 100 3 बाय 4। बताओ बेटा क्लियर है, ये क्या आ गया वेरिएंस और ये बेटा क्या आ गया मीन। ये बताओ अब सुनो बेटा ध्यान से। तो ये दो फॉर्मूले हो गए बेटा हमारे ये। तो जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना हो और वेरिएंस निकालना हो बेटा ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देना। सर ये तो बहुत लेंथी है, कोई शॉर्टकट मेथड बताओ हमें जिससे जल्दी हो जाए। लो बेटा फिर शॉर्टकट मेथड देख लो जिससे आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा। बट ये ध्यान रखना। हाँ जी बेटा इधर देखो, ये फॉर्मूला देख लो बेटा, मीन का फॉर्मूला एन पी। एन और पी को मल्टीप्लाई कर दो, एन की वैल्यू कितनी थी और पी की वैल्यू, लो जी 3 को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना जरा, कितना आंसर आ गया। और ये भी बेटा हमारा कितना था 3 बाय, तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला ही है। हाँ जी बेटा अब आ जाओ वेरिएंस। हाँ से आया एन और पी, एन ये रहा ना एन 3 और पी कितना था 1 बाय 2। आपको ये टेबल टूबल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे पूछ ले मीन निकालो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना एन पी। एन की वैल्यू ये रही, पी की वैल्यू 1 बाय 2 और वेरिएंस का बेटा फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन पी क्यू। इधर देखो एन पी क्यू, एन पी क्यू को मल्टीप्लाई करना जरा 3, पी की वैल्यू 1 बाय 2 और क्यू की वैल्यू भी 1 बाय 2, तो देखो कितना आंसर आ रहा है 3 बाय 4। बताओ वो आंसर आ गया, ये रहा देखो 3 बाय 4 बेटा, ये रहा। हाँ जी बेटा जरा बताओ सही है। तो क्या मेरे को कोई टेबल टूबल बनाने की जरूरत थी? हाँ जी बेटा कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधा फॉर्मूला एन पी। एन पी फॉर्मूला बेटा किसके लिए मीन और वेरिएंस का बेटा एन पी क्यों। बट एक चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, एक चीज बेटा ध्यान रखने वाली है जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला तो लगा सकते हो आप मीन और वेरिएंस के लिए, बट इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लगा सकते हो। आपको कल मैंने ध्यान होगा, कल मैंने अपनी तरफ से एक केस करवाया था विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में बताओ, कल आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देखा था विदाउट रिप्लेसमेंट में, जिसमें हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय किसका इस्तेमाल किया था बताओ, कॉम्बिनेशन का। वहां पे बेटा ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे, एनपी और एनपीक्यू वाले। एनपी और एनपीक्यू वाले फॉर्मूले कब कामयाब हैं? जब क्वेश्चन बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सोल्व हो सकता हो। कहने का मतलब ये फॉर्मूले अप्लाई तो करेंगे बट ओनली इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे अगला डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे पॉइजन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे, बट ये जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, हाँ जी बेटा, ये वाले जो फॉर्मूले हैं सुनो, जैसे ये हो गया समेशन पीएक्स और ये वेरिएंस का फॉर्मूला बेटा, ये आप कहीं भी लगा सकते हो, ये आप कहीं भी लगा सकते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहे बाइनोमियल से बनाया हो चाहे पॉइजन से बनाया हो, ये फॉर्मूले बेटा हमेशा एप्लीकेबल है। बट ये ध्यान रखना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अब सारा कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए बेटा, ये सब भूल जाओ, ये टेबल टूबल बनाना, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये फॉर्मूले बता दिए, समेशन पी एक्स, समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर। बट हमारे काम बेटा ये आएंगे, ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे। ठीक है, तो आज पहले मैं इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। एक बार बेटा अभी जो आपने मेरे पास सम भेजे हैं, हाँ जी बेटा, सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर आप निकाल लो, थर्टी एट, हाँ जी बेटा 38 सब निकाल लो फटाफट से। अभी मैं बिल्कुल इजी इजी टाइप्स करवा रहा हूँ आपको, सारा इजी है वैसे, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। 38 38th क्वेश्चन में बेटा क्या कहता है, देखो द मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, हाँ जी, एक तो मीन दे रखा है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 10, और दूसरा बेटा क्या दे रखा है, वेरियंस, वेरियंस कह लो या ये कह लो, वेरियंस, वेरियंस का ये सिंबल होता है 8, और फाइंड आउट क्या क्या करना है, n की वैल्यू, p की वैल्यू और q की वैल्यू। हाँ जी बेटा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो समझ लेना जैकपॉट लग गया आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे देखो, वेरी वेरी इजी, हाँ जी बेटा इधर देखो, मीन, मीन बेटा आपको दिया हुआ है 10, किसका मीन है ये, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है नहीं, चेक करो क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है या नहीं, लिखा हुआ है सर, तो इसकी जगह एनपी लिख सकता हूं मैं, एनपी, एनपी इज इक्वल टू 10। अच्छा वेरियंस, वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एनपी क्यू, एनपी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है 8। लो बेटा इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, एनपी क्यू इज इक्वल टू 8 और एनपी इज इक्वल टू 10, तो इसको बेटा ऐसे सोल्व ऐसे कर लो, सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट डिवाइड कर दो, या फर्स्ट इक्वेशन में एनपी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, एनपी की वैल्यू 10 इसमें पुट कर दो, या डिवाइड कर लो, बात एक ही है। देखो एनपी क्यू सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो 8/10 डिवाइड करेंगे तो एन से एन कट, एनपी से एनपी कट जाएगा,
क्यू क्यू की वैल्यू बेटा 4/5 आ गई, क्यू की वैल्यू 4/5 आ गई। और हमें पता है बेटा पी और क्यू दोनों का सम कितना होता है, पी और क्यू बेटा दोनों का सम कितना होता है 1। तो पी प्लस क्यू 4/5, तो पी की वैल्यू बेटा 1/5 आ गई, पी की वैल्यू 1/5 और क्यू की वैल्यू 4/5। ठीक है बेटा, अब निकालते हैं एन की वैल्यू। एन की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू जो आई है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 बेटा ये थी, एन पी इज इक्वल टू 10, इसमें पुट करेंगे एन इंटू 1/5 इज इक्वल टू 10, एन की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो आंसर क्या क्या आ गए, आंसर बेटा हमारा 50 आ गया। वेरी गुड, सभी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं। तो एन की वैल्यू 50, पी की वैल्यू 1/5, क्यू की वैल्यू 4/5, ये बेटा तीनों आंसर आ जाएंगे। कैसा क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल है बेटा, वेरी वेरी इजी। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 38, 39 बेटा आपने होमवर्क में है, 39 आपने घर से करना है, अभी होमवर्क में नोट कर लेना। और एक बेटा क्वेश्चन नंबर 41 भी आपने घर से करना है। तीन क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, इस टाइप के बेटा तीन सम है अभी, 38, 39 और 41। कर लोगे ये, यस सर। हाँ जी बेटा, चलो आगे चलो, मैं नेक्स्ट टाइप पे चलूं। हाँ जी बच्चों देखो, अभी तो ये बेटा हमारी टाइप थी थर्ड, अब आ जाओ टाइप नंबर 4। हाँ जी बेटा टाइप नंबर 4, हाँ जी बेटा टाइप नंबर 4 है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा कैसे निकालते हैं, हाँ जी बेटा इसका फॉर्मूला बेटा ये है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू पी रेज टू पावर आर। हाँ जी बेटा एन सी आर क्यू रेज, अभी तक तो हमने ये फॉर्मूला किया था एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर पी रेज टू आर, अब मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एन हो रहा जाएगा। हाँ जी बेटा कैपिटल एन से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब कैपिटल एन है क्या चीज, देखो जैसे बेटा एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं करवाता हूँ आपको, जैसे बेटा मान लो अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, हाँ जी बेटा एक कॉइन इज टॉस 3 times, हाँ जी बेटा एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है उसकी बेटा मैंने टेबल बनाई थी, इधर देखो टेबल क्या बनाई थी, आर की वैल्यू क्या थी उसमें 0, 1, 2, 3
और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी आई थी जरा बताओ, जीरो हेड आने की कितनी आई थी, अभी पीछे निकाली थी 1/8, इसकी आई थी 3/8, 2 हेड आने की, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो एक कॉइन को 3 हेड आने की सर 1/8 आई थी। हाँ यहाँ 1/8 थी, वेरी गुड। हाँ जी बेटा यहाँ 1/8 थी। अब बेटा सुनो ध्यान से, हाँ जी बेटा सुनो, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे होगी, देखो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, एक कॉइन को बेटा 3 बार टॉस किया और ऐसा 800 बार किया, एक कॉइन को 3 बार टॉस करवा किया और ऐसा 800 बार, या ऐसे कह लो बेटा, देखो इधर देखो, ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ये 3 पर्सन है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। हाँ जी बेटा, मैंने इनको एक कॉइन पकड़ा दिया, एक कॉइन इसको दे दिया, एक कॉइन बेटा इसको दे दिया, एक कॉइन इसको दे दिया, 3 कॉइन हो गए, 3 कॉइन हो गए, एक एक्स को दे दिया, एक वाई को दे दिया और एक जेड को दे दिया, ठीक है बेटा। और मैंने इनको कहा टॉस करो, और कितनी बार मैंने इनसे टॉस करवाया बेटा, मान लेते हैं 200 बार, 200 बार मैंने तीनों से टॉस करवाया, 200 बार बेटा तीनों ने कॉइन टॉस किया है, एक्स ने भी 200 बार टॉस किया, वाई ने भी 200 बार टॉस किया, जेड ने भी 200 बार, ठीक है जी। और कहता है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ। एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बेटा बना हुआ है, ये रहा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है इसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई हुई है 1/8, इसको मल्टीप्लाई करना है बस 200 से। तो ये बेटा कितना आ गया 25, 3/8 को मल्टीप्लाई करोगे 200 से 75, 3/8 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे 75 और 1/8 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे 25। ये बेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डाल दी, ये क्या शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं बेटा 200 में से, 200 में से बेटा 25 बार, 200 बार इन्होंने टॉस किया, एक्स वाई जेड ने 200 बार टॉस किया कॉइन, 25 बार ऐसा होगा, 200 में से 25 बार ऐसा होने की संभावना है कि तीनों में से किसी का भी हेड नहीं आएगा, 75 बार ऐसा होने की संभावना है कि एक्स वाई जेड में से एक जने का हेड आएगा, 1 हेड, 75 बार ऐसा होने की संभावना है कि एक्स वाई जेड में से 2 जनों का हेड आएगा, 2 टाइम्स हेड आएगा, और 25 बार बेटा ऐसा भी होगा तीनों का हेड आएगा, एक्स का भी हेड आएगा, वाई का भी हेड आएगा, जेड का भी हेड आएगा। इसका मतलब ही है, तो करना बेटा क्या है, पहले तो वही वैसे ही करना है, लास्ट में कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देना बस, कैपिटल एन बेटा आपको दिया होगा क्वेश्चन में, उससे मल्टीप्लाई करते ही आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है बात, समझ रहे हो? हाँ जी बेटा बताओ।